दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा, चलफा हिंदी पे आपका स्वागत है। केंद्र और राज्य रिसेशन की बहुत बातें हो रही हैं। कांग्रेस ने शुरू किया था सिलसिला कि केंद्र को मजबूत करो और राज्यों को कमजोर कर दो, पंगू बना दो। उम्मीद थी कि मोदी जी आए 2014 में तो कुछ सुधार होगा, क्योंकि वो टीम इंडिया की बात करते थे, फेडरल इंडिया की बात करते थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने, वो टीम इंडिया का वर्ड कभी कभी आ जाता है, लेकिन मैंने कभी उनको टीम इंडिया से मिलते नहीं देखा। आपको याद है कब कुछ ऐसा हुआ है कि एक ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर आए हों, विकास के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, और प्रधानमंत्री उनसे मिले हों? कोई आपको याद है मौका तो मुझे लिख भेजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि रिसेंट पास्ट में कभी प्रधानमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों से मिले हों। दरअसल अब केंद्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है तो वो समझता है कि राज्यों की हैसियत क्या है। राज्य नहीं भी हुए तो भी मैं भारत को चला सकता हूं, तो राज्यों को बना दिया गया पंगू, राज्यों को बना दिया गया एक किस्म का एक ऐसी एंटिटी जो अत्यधिक केंद्र पर निर्भर थी। अब सोचिए देश में विकास कहां से आता है? रिसेशन की बातें होती हैं, केंद्र ने बड़े स्टेप उठाए, क्या केंद्र ने कोई स्टेप उठाने से पहले किसी राज्य से सलाह मशवरा किया? नहीं ना। बैंकिंग सुधार के लिए उन्होंने क्या किसी स्टेट से सलाह मशवरा किया? नहीं। जब ये इनकम टैक्स में छूट देनी थी तो कोई सलाह मशवरा किया? नहीं। जब उनको बाकी जो थोड़े बहुत जो कदम उठाए हैं, किसी स्टेट से सलाह मशवरा किया? नहीं। कभी किसी स्टेट से पूछा कि आपको तकलीफ क्या है? नहीं। शायद ये समझते हैं कि केंद्र की इज्जत के खिलाफ है कि एक मुख्यमंत्री की हस्ती क्या है, उसको क्यों बुलाया जाए? अल्टीमेटली किस लिए? मुख्यमंत्री हैं कौन इस मुल्क के अंदर? 28 मुख्यमंत्री में मेजर राज्यों के, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करूंगा अभी मैं, तो है कौन? उनका योगदान क्या? कुछ नहीं। हिंदुस्तान में जो कर रहे हैं सिर्फ भाजपा और केंद्र सरकार मोदी जी कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है। यहीं पर चूक हुई, क्योंकि केंद्र में किसी ने भी मुख्यमंत्रियों को बुला के उनकी सलाह लेना उचित नहीं समझा। राज्यों को ऐसे समझा कि जैसे कोई इनकी कोई हस्ती नहीं है, नॉन एंटिटी है। केंद्र भूल गया कि विकास राज्यों में होता है, केंद्र में नहीं होता है। केंद्र के तो फिक्स एक्सपेंडिचर है, आपके सब्सिडीज देनी है, सैलरीज देनी है, पेंशन देनी है, रेलवे चलानी है, डिफेंस है, छोटी बड़ी सड़कें बना लेंगे कैपेक्स करके, इसके अलावा और क्या करेंगे? बाकी सारे विकास कार्य तो राज्यों में होते हैं। राज्यों का दुर्भाग्य कि उनके पास पहले वैट था एक मुख्य टैक्स के रूप में, अब वो भी केंद्र के पास चला गया। अब उन्हें अपना पैसा लेने के लिए केंद्र से भीख मांगनी पड़ती है। राज्यों को पंगू कैसे बनाना है ये केंद्र सरकारों से पूछो। कांग्रेस ने भी किया और भाजपा भी वही कर रही है। ये बात करना भी उचित नहीं समझते एक्चुअली उनसे। इन्हें समझता है, केंद्र को लगता है कि हम राज्यों से बात करेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे। और वो समझते हैं कि राज्यों के अंदर इतनी अकल ही नहीं है सोचने की कि कुछ देश का विकास कर सके। तो देश की जो विकास दर अभी 4.5% आई है GDP की, अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 12 राज्य ऐसे हैं जिनकी विकास दर 4.5% से ज़्यादा है। ये नाम है इनके, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड। इसके अलावा जो थोड़े कम वाले हैं वो भी हैं, लेकिन 6 स्टेट्स और ऐसी हैं जो एग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ऊपर है और धीरे बहुत सपोर्ट करती हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मेन है, इसमें काफ़ी टैक्स देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम इंडिया में एक ऐसी संरचना बन गई है जहाँ इंडिया का जो टोटल GDP है उसका 60% उन स्टेट से आता है जो BJP के द्वारा रूल्ड नहीं है। सिर्फ 40% GDP उन स्टेट से आता है जो BJP के द्वारा रूल्ड हैं। तो ये सिचुएशन 1.5 साल में चेंज हो गई, 60-40 की सिचुएशन 40-60 में चेंज हो गई। एक्चुअली केंद्र का हो गया है डिस्कनेक्ट राज्यों से। दरअसल केंद्र भूल गया कि भारत के अंदर राज्य हैं, विकास राज्यों में होता है,
जॉब्स वहां पैदा होते हैं, वहां एक रुपए लगाओ तो उसका जॉब का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो मल्टीप्लायर है, वो राज्यों से पैदा होता है। तो रिसेशन को फाइट किसने करना था? केंद्र ने। केंद्र ने करना था, लेकिन साथ में राज्यों को लेकर चलना था, क्योंकि राज्य सशक्त होंगे तो जनता सशक्त होगी, कंजप्शन सशक्त होगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम रिसेशन से लड़ सकते हैं। लेकिन एक प्लानिंग के अंतर्गत केंद्र ने राज्यों को कमजोर करना शुरू किया 5-6 साल पहले। एक तो वैसे ही कमजोर थे, कांग्रेस के राज्य में बहुत कमजोर हो गए थे, इन्होंने और कमजोर करना स्टार्ट किया। मकसद था राज्यों को नॉन एंटिटी बनाना, नाम के लिए टीम इंडिया था, लेकिन टीम इंडिया नाम की कोई चीज नहीं थी। ये रिसेशन को फाइट करने की आर्मी थी राज्यों की, 28 राज्यों की, यूनियन टेरिटरीज भी थोड़े, इन्होंने फाइट करना था। ये फाइटर्स हैं एक्चुअली, हमारे मंदी के अगेंस्ट लड़ने वाले फाइटर्स थे, यानी कि जो फ्रंट पे आके जो जवान लड़ते हैं। आपने जवानों को खाना भी नहीं दिया, आपने जवानों को कमजोर कर दिया। अब इन्हें सामने खड़े हैं ना, इनके पास हथियार हैं, ये कमजोर हैं, ये भूखे हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। सारे के सारे राज्यों की हालत ये, पिछले 3-4 महीने से केंद्र ने जीएसटी का जो हक था राज्यों का वो भी नहीं दिया। कमाल की बात ये है कि इसके ऊपर ना तो निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट आता है, ना प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि आप राज्यों का हक क्यों मार रहे हो। और जो 14वें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42% के पैसे देने थे वो भी नहीं देते हैं, 32% ही देते हैं टोटल, 10% पैसा वो भी मार जाते हैं, और अब तो जीएसटी भी नहीं दे रहे हैं। अब जीएसटी के ऊपर बहुत सारे राज्य इकट्ठे आ गए जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने फाइट करनी शुरू कर दी कि आप हमारे पैसे दीजिए। और अब करीब करीब 60% राज्य ऐसे आ गए, 70% जब जिसके ऊपर बेसिकली अपोजिशन का राज है, तो जीएसटी का जो मीटिंग होगी, सरकार जीएसटी की मीटिंग नहीं बुला रही है और डर रही है कि अब मैं करूं क्या, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। फाइट तो होगी और अच्छी खासी फाइट होगी इस बार, आप देखिएगा इस बार वहां पे हीटेड डिस्कशंस होने की उम्मीद है जीएसटी काउंसिल में, क्योंकि केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, केंद्र बात भी नहीं कर रहा है। स्टेट्स ने क्या किया, 18 स्टेट्स आ गई रेड में, यानी कि बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं। 40% ज्यादा बोरोइंग की है पिछले साल की अपेक्षा 18 स्टेट्स ने, और उनके पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, सारे एक्सपेंडिचर कट हो गए उनके। जब स्टेट्स एक्सपेंडिचर कट कर देते हैं तो देश का विकास नहीं होता है, देश रुक जाता है। स्टेट्स चलते हैं, केंद्र कमजोर होगा, अगर स्टेट्स चलते हैं तो देश चल जाता है, लेकिन अगर स्टेट्स कमजोर हो गए तो देश भर भरा के नीचे गिर जाता है, दीमक लगी दीवारें हैं ये। इसने जीडीपी को प्रभावित किया, स्टेट्स स्पेंड नहीं कर पाए, जॉब्स निकल नहीं पाए, जॉब्स निकल नहीं पाए तो इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो उत्पादन नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ अगर हुआ तो उसके लोग पैसे नहीं थे, वो खरीद नहीं पाए, उत्पादन बंद हो गया, ये दुष्चक्र। यानी कि केंद्र ने कांग्रेस की तर्ज पे आके भाजपा की केंद्र सरकार ने राज्यों को पंगु बना दिया, वित्तीय रूप से, फाइनेंशियल रूप से। एक्चुअली सेंटर का काम था कि स्टेट्स को बुला के मीटिंग करके उनको मजबूत बनाए, उनके हाथों में पैसे दे, लेकिन सेंटर तो उल्टा कर रहा है, उन्हें और पंगु बना रहा है। इलेक्शन तो अभी काफी दूर है, कई स्टेट्स में वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। स्टेट्स के पास जब से जीएसटी निकला कुछ बचा ही नहीं देखा जाए तो, वो टैक्स किस पे लगाए, ले देके उनके पास एक तो रोड टैक्स रह गया, रोड टैक्स मतलब जो आप व्हीकल के ऊपर टैक्स लगाते हो जो नए खरीदे जाते हैं, इसके अलावा आप पेट्रोल डीजल पे थोड़ा लगा सकते हो और प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो, यही अब मद बची हैं। जो थोड़ी शराब वाले स्टेट्स हैं तो वो थोड़ी वहां पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, बाकी स्टेट्स के पास टैक्स लगाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उनका मेन रेवेन्यू तो सेल टैक्स से आता था, सेल टैक्स जीएसटी बन के चला गया, अब कंजप्शन नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है, तो स्टेट्स का अपना शेयर भी वीक हुआ, ऊपर से केंद्र भी पैसे नहीं दे रहा, तो स्टेट्स तो पूरे डूब गए। दरअसल स्टेट्स बैंक्रप्ट, दिवालिया होने की कगार पर है इस टाइम 18 स्टेट्स, मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान के। अब आपको बताऊं कि स्टेट ने इतनी हालत खराब हुई है कि अभी रिसेंटली 9 स्टेट्स ने अपने रोड और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में इंक्रीज कर दिया, और बाकी भी करने जा रहे हैं अभी,
नौ स्टेट्स ने इंक्रीज किया क्योंकि पैसे आएंगे कहां से। तो ऑटोमोबाइल में जब ये लगाया तो ऑटोमोबाइल वैसे ही क्रिपल था, ये टैक्स और बढ़े, उनकी शेयर और कम हुई। कुछ राज्यों ने बिजली के ऊपर, जी हाँ कुछ नहीं बल्कि 19 राज्यों में, 19 स्टेट्स ने 2018 में बिजली के रेट बढ़ाए ताकि हमें कुछ पैसे आए। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली 2 रुपये पेट्रोल डीजल पे लगाया था, और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस सारी स्टेट्स लगाएंगी क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। और प्रॉपर्टी जो बिक नहीं रही है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने की संभावना है, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट और डाउन हो जाएगा और कॉस्टली हो जाएगा, तो इसका मतलब वो भी नहीं बिकेंगे। स्टेट्स जब एक तरह से देखा जाए तो पैसे नहीं होंगे तो इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका मतलब क्या होता है। हमारी बॉडी है, शरीर है, ये शरीर आपको बाहर से शायद ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे मेरी आंखें कमजोर हो गई या कर गई, नाक कमजोर, मुंह कमजोर, कान कमजोर, गला कमजोर, स्टमक कमजोर, हार्ट कमजोर, किडनी, पैनक्रियास, नीचे टांगे कमजोर, तो आप बताइए ये बॉडी कितने टाइम तक खड़ी रह सकती है। केंद्र सरकार ने यही किया है, पहले कांग्रेस भी यही करती थी, बीजेपी भी यही करती है, ये दरअसल स्टेट्स के साथ बात ही नहीं करती है। किस बात पे उनकी, मुझे नहीं समझ आता कि ये एक तरह से एक ईगो है क्या है। मतलब पहले कभी कभार मीटिंग्स मनमोहन सिंह के टाइम में हो भी जाती थी, राज्यों से बातचीत होती थी, अब तो राज्यों से बातचीत ही खत्म हो गई है। इकोनॉमी के ऊपर प्रधानमंत्री ने, मुझे नहीं याद आता कि पिछले कई सालों में कभी कोई मीटिंग की हो राज्यों के साथ। टीम इंडिया की बात करते हैं लेकिन टीम इंडिया को बुला के बात नहीं करते। अब तो टीम इंडिया की बात करनी बंद हो गई, फेडरल हमारा इंडिया है, राज्य हमारे मजबूत होंगे। बात नहीं करेंगे तो मजबूत कहां से होंगे? आप पैसे नहीं देंगे तो मजबूत कहां से होंगे? उनके हक की ग्रांट्स नहीं देंगे तो मजबूत कैसे होंगे? तो सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। लेकिन इस मद में केंद्र सरकार एक बात भूल गई कि वो अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि वो जिसको पैसे नहीं दे रहे हैं वो यही देश है, इसी देश के हिस्से हैं। जब देश के अंग कमजोर हो जाएंगे तो देश मजबूत नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे केंद्र राज्यों की सुने, मीटिंग बुलाए, उनसे बात करे, क्योंकि केंद्र समझता है कि अकेला इकोनॉमी को संभाल लेगा तो शायद बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इन्हें नहीं समझ आएगा, लेकिन इन्हें समझना नहीं है क्योंकि इनके लिए राज्यों की कोई हैसियत नहीं है, एंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, और इनका सिर नीचा हो जाएगा उनसे बात करेंगे तो हिंदुस्तान को राज्यों के थ्रू कैसे पंगू बनाना है वित्तीय रूप से, यानी कि हिंदुस्तान को कैसे पंगू बनाना है, ये केंद्र से सीखिए। पहले कांग्रेस ने किया, अब मोदी सरकार कर रही है 6 साल से। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।